अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान उल हक है। मैं बिन कासिम पावर स्टेशन के इलेक्ट्रिक में एज असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल मेंटेनेंस काम कर रहा हूँ। आज हमने जो ट्रेनिंग अटेंड की है बेयरिंग डैमेज एनालिसिस की खुर्रम शहजाद साहब के अंडर, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं बेयरिंग डैमेज के हवाले से, जो कि पहले हम लोग अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, किसी वजह से इग्नोर हो रही थी। उसमें जो बेसिक चीज़ें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बेयरिंग डैमेज की टाइप्स देखी, टॉलरेंसेस देखी, और स्पेशली बेयरिंग जो बेयरिंग का डैमेज है उसको एनालाइज किस तरीके से करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, और फिर उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। मतलब जिस तरह कोई भी बेयरिंग डैमेज हमारे सामने आए तो हमने फ़ौरन जजमेंटल नहीं होना, बल्कि उसको डिटेल में सारे उसके डाटा कलेक्ट करना है, उसका प्रीवियस डाटा ऑपरेशन के दौरान जब जो भी इक्विपमेंट है वो काम कर रहा है, प्रीवियस डाटा हो, उसकी हिस्ट्री हो आपके पास डैमेज के वक्त क्या पैरामीटर्स थे, और फिर फिज़िकल कंडीशन उस बेयरिंग की, उस सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने एनालाइज करना है कि आखिर ये बेयरिंग डैमेज क्यों हुआ और क्या रीज़न्स थे जो जिसने इस चीज़ की तरफ लीड किया, और आइंदा ये चीज़ रिपीट ना हो। तो इस हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको जाके अपनी फील्ड में अपनी टीम के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इस चीज़ कोशिश करेंगे इस चीज़ से बेहतरी आए।